नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैली सिंह और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस को कैसे आराम से रूट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम अपना ट्यूटोरियल। तो दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें इंटरनेट कंप्यूटर के ट्रिप्स एंड टिक्स की वीडियो आपके लिए हर रोज़ लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना ट्यूटोरियल। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान है, आप ऑलमोस्ट कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस कैसे रूट कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों आप हर एक डिवाइस रूट नहीं कर सकते हैं इस ऐप से, पर ऑलमोस्ट आप इससे इस ऐप से रूट कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले आपको ध्यान रखना है कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में रूट चेकर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ये ऐप आपको गूगल प्ले में मिल जाएगी, आपने जस्ट सर्च करना है रूट चेकर। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैंने इस ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका फ़ोन रूटेड है या नहीं। मैं आपको बता देता हूँ इस समय मेरा फ़ोन जो रूट नहीं है, तो मैं ओके करता हूँ और वेरीफाई रूट पे क्लिक करना है आपको सिर्फ। तो देखिए ये बता रहा है सॉरी रूट एसेस इज नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस। तो आप अपने फ़ोन को कैसे रूट करना है और आप बिना पीसी के आप फ़ोन को रूट कर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों ऐप का नाम है किंग रूट ऐप, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप आसानी से उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने उस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, देखिए ये इसका लिंक क्या है मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने इस ऐप को इंस्टॉल करता हूँ, मैंने डाउनलोड कर लिया इसको, डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। चलिए मैं इस ऐप को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। पहले आप सब कुछ पढ़ लीजिए इसके बारे में और इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। तो दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन ऐप है, आप बिना किसी पीसी के आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस को रूट कर सकते। तो दोस्तों चलिए ये ऐप है जो वो इंस्टॉल हो चुकी है, तो मैं इस ऐप को ओपन करने जा रहा हूँ। और देखिए ये आपके सामने एक लॉक का साइन सा आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। मैं इसके ऊपर ऐसे नीचे को ऊपर को स्वाइप करना है आपको, सेव प्रोटेक्शन, फिर ऊपर को स्वाइप करिए, ट्राई इट प्यूरीफाई सिस्टम। ओके, अब भी आपका डिवाइस है जो वो वेरीफाई रूट स्टेटस, आपका फ़ोन है जो रूट एसेस इज अवेलेबल नहीं, इसके ऊपर करिए ट्राई टू रूट पे क्लिक कर दीजिए, सिंपल। तो दोस्तों देखिए जो आपके फ़ोन की रूटिंग प्रोसेस है वो इस समय शुरू हो गई है। तो दोस्तों इस समय मेरे पास माइक्रोमैक्स नाइट्रो है जो A311 है, तो मैं नाइट्रो कैनवस है इस समय मेरे हैंड में, तो मैं इस फ़ोन को रूट करने जा रहा हूँ वो भी बिना किसी पीसी के। तो आपने सिर्फ किंग रूट ऐप को इंस्टॉल करना है और अपना फ़ोन रूट करना है। अगर आपका फ़ोन रूट नहीं होता है तो आप सुपर सू वगैरह फ्लैश करके भी अपना फ़ोन रूट कर सकते हैं, उसके लिए लेकिन आपको पीसी की ज़रूरत होती है। तो ये सिंपल है, आपको सिर्फ रूट पे करना है क्लिक और आपका फ़ोन 100% होगा जब ये रूट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस समय ये प्रोसेस पे है, देखते हैं कब तक ये फ़ोन आपका रूट होता है। अगर आपका फ़ोन कई कबार बीच में रीबूट वगैरह होता है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कई बार होता है कि जो फर्मवेयर किंग रूट की फर्मवेयर होती है वो इंस्टॉल हो रही होती है, जिसकी वजह से फ़ोन रीबूट होता है। तो आप नीचे इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ते रहिए, किंग रूट विल मेक योर डिवाइस बेटर, आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बताएंगे वो अपने ऐप के बारे में। और ध्यान रखिए कि आपका जो फ़ोन है वो बंद नहीं होना चाहिए, जहाँ लॉक वगैरह नहीं लगना चाहिए, जिसकी वजह से कई बार प्रोसेस बंद हो जाती है। तो दोस्तों देखिए काफ़ी स्पीड में हुआ अभी 51% तक, तो देखते हैं। दोस्तों जो आपका डिवाइस है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना ज़रूरी है, तो उसकी अगर आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट के साथ तो आपका डिवाइस ये प्रोसेसिंग नहीं चलेगी और रूट भी फ़ोन आपका नहीं होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन आपके फ़ोन को रूट करता है और आपके फर्मवेयर इसमें इंस्टॉल करता है अपना किंग रूट। मेरा फ़ोन है ये वो ऑटोमेटिकली रिबूट हो चुका है इस समय, तो ऑन करने के बाद अब पता चलेगा कि जो मेरा फ़ोन है वो रूट हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखते रहिए कि अब मेरा जो फ़ोन है वो रूट हुआ या नहीं। तो जब मैं इसने मेरे फ़ोन को रिबूट कर दिया है, शायद फर्मवेयर इंस्टॉल हुआ हो जिसकी वजह से मेरा फ़ोन रूट हो चुका है। चलिए देखते हैं, अभी तक जो फ़ोन है वो फुल रूटेड नहीं हुआ है, अभी तक 60% हुआ है। रिबूट करने के बाद भी देखा कि उसकी प्रोसेसिंग वो है चल रही है, तो 60% हुआ अभी तक, देखते हैं कि 100% पे ये रिबूट रूट होता है या नहीं। तो चलिए रूट तो भैया होनेस्टली होगा ही होगा, मुझे तो पता है कि ये फ़ोन रूट होगा ही होगा इससे किंग रूट ऐप से। तो दोस्तों आप भी इस ऐप का बेहतर यूज़ कर सकते हैं, इस ऐप को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया है और काफ़ी ट्रस्टेड ऐप है ये फ़ोन रूट करने के लिए बिना पीसी के। तो दोस्तों जो मेरा फ़ोन है वो
रूटेड हो चुका है, तो कंग्रेचुलेशन, जो मैंने किंग रूट ऐप से अपने फ़ोन को रूट कर लिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे रूट उसकी ऐप भी इंस्टॉल हो चुकी है किंग रूट वालों की। आप देख सकते हैं यहाँ पे किंग रूट, तो दोस्तों ये रही उनकी ऐप किंग रूट, जो मेरा डिवाइस है वो रूटेड हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रूट चेकर से भी कि जो मेरा एंड्रॉयड डिवाइस है वो रूट हो चुका है। मैं रूट है रूट चेकर ऐप को खोलता हूँ, रूट चेकर को खोलता हूँ। जैसे ही मैं रूट चेकर ऐप पे जाता हूँ, तो दोस्तों जैसे मैं रूट चेकर ऐप को खोलता हूँ, ये रहा रूट चेकर ऐप। तो अब मैं रूट चेकर से चेक करता हूँ कि मेरा फ़ोन रूट हुआ है या नहीं। तो दोस्तों वेरीफाई रूट पे क्लिक करता हूँ और देखिए ये अलाउ कर देते हैं, कंग्रेचुलेशन योर रूट असेस इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस। तो आपका फ़ोन है ये रूट हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह आप किंग रूट ऐप से अपना फ़ोन रूट कर सकते हैं बिना पीसी के, और ये काफ़ी अच्छा है। और आपको ध्यान रखिए कि आपका जो फ़ोन है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह हमारी वीडियोज़ देखते रहिए हर रोज़। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सो लाइक करना भी ना भूलिएगा इस वीडियो को। चलो बाय।